फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा फाइनली गुड न्यूज निकल के आ रहे इंटरनेशनल फ्लाइट अपडेट को लेकर, जो कि एक नया लिस्ट जारी किया गया कौन सी कंट्रियों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत सारी कंट्रियों में 15 अगस्त 14 अगस्त के बीच में ही मतलब पहला वंदे भारत मिशन 5 का जो शेड्यूल था वो पहला जारी किया, लेकिन बहुत सारी कंट्रियों के लिए सेकंड शेड्यूल भी आ तो कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है सऊदी अरबिया से। जी हाँ, सऊदी अरबिया से इंडिया के लिए कितनी फ्लाइट ऑपरेट करने वाले, पूरा डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दिया। आपको बता दें ये जो लिस्ट आया नया एयर वंदे भारत मिशन तहत के सेकंड शेड्यूल है। पहला शेड्यूल तो बहुत सारे कंट्रियों में खलास भी हो चुका है, लेकिन ये सेकंड शेड्यूल जो अपडेट निकल के आ रही है फाइनली सभी के लिए गुड न्यूज है। बात करें इसमें कितने फ्लाइट है, इसमें आपको बता दें कि उन्होंने 13 फ्लाइट ऑपरेट करेंगी। आपको बता दें ये 16 तारीख से लेके 13 तारीख मतलब 16 से लेके 31 मतलब 24 अगस्त के बीच में, मतलब काफी कम ही दिनों में 13 फ्लाइट ऑपरेट करेंगी सऊदी अरबिया से, जो कि काफी बेहतरीन है। पहली फ्लाइट की बात करें तो 16 अगस्त एयर इंडिया दम्माम से कोची के लिए है, दम्माम से कोची के लिए। उसके बाद फिर बात करें सेकंड की, तो ये 17 अगस्त को दम्माम टू तिरुवनंतपुर मतलब ये भी केरला के लिए जा रही है। उसके बाद फिर तीसरी फ्लाइट की बात करें तो 18 अगस्त एयर इंडिया, ये फ्लाइट आप ध्यान रखें एयर इंडिया है, इंडिको एयर इंडिया एक्सप्रेस नहीं है, तो एयर इंडिया हो गया ये तीसरी फ्लाइट जो 18 को ये दम्माम से मुंबई के लिए है। फाइनली गुड न्यूज है, जो दम्माम में मुंबई से आना चाहते हैं उनके लिए फाइनली कुछ अभी बताऊंगा आप टिकट कहां से खरीद सकते हो इसका। उसके बाद फिर और फ्लाइट की बात करें तो ये 19 अगस्त दम्माम टू कोची के लिए, फिर 20 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें दम्माम टू तिरुवनंतपुर मतलब केरला के लिए, फिर 21 की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे भी दम्माम टू कन्नूर एयरपोर्ट, मतलब ज्यादातर फ्लाइटें केरला एयरपोर्ट ही जा रही है। उसके बाद फिर बात करें 21 अगस्त का दो फ्लाइट है, 21 अगस्त आपको बता दें इंडिको एयरलाइन ये ऑपरेट करेगी, इंडिको एयरलाइन ऑपरेट करेगी रियाद से हैदराबाद के लिए। फाइनली हैदराबाद एयरपोर्ट से आप ताल्लुकात रखते हो तो फाइनली गुड न्यूज अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हो तो। उसके बाद फिर बात अभी मैं पूरा बताऊंगा टिकट आप कहां से आपको लेना है, पूरा इस वीडियो पूरा वीडियो को देखें। उसके बाद फिर बात करें तो ये 21 को है, फिर 21 तारीख को एयर इंडिया रियाद से मुंबई एयरपोर्ट के लिए है, फाइनली मुंबई के लिए सेकंड फ्लाइट है। फिर दो फ्लाइट लगातार है, आपको 22 अगस्त को भी एयर इंडिया है और आपको रियाद से ये मुंबई, फिर मतलब दो फ्लाइट 21 और 22 को मुंबई एयरपोर्ट के लिए जा रही है दोनों फ्लाइट। उसके बाद फिर बात करें 23 अगस्त को, 23 अगस्त इंडिको एयरलाइन रियाद से चेन्नई के लिए जा रही है। उसके बाद फिर 24 अगस्त की बात करें तो रियाद से बंगलोर के लिए जा रहे हो, इसकी फ्लाइट बता दें इंडिको एयरलाइन आखिरी फ्लाइट की अगर जो बात करें यहाँ पे तो आपको बता दें ये है 24 अगस्त इंडिको दम्माम से ये चेन्नई एयरपोर्ट के लिए जा रही है, ये भी इंडिको एयरलाइन है। तो इसमें मतलब इंडिको एयरलाइन एयर इंडिया ये दो फ्लाइट ऑपरेट करने वाली है, जो कि काफी बेहतरीन अपडेट है। इसमें भी आप बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने जो कि कहा है आपको मतलब आप टिकट कहां से ले सकते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया की ऑफिस की बात करें, जो एयर इंडिया ऑफिस कहां में सऊदी अरबिया की बात करें तो रियाद में एयर इंडिया ऑफिस कोनल टावल 86 81 9 बिन साइद अल वाजा रियाद में, मतलब ये वहां पे है, आप वहां पे जाके इसका टिकट एयर इंडिया के ऑफिस से ही टिकट आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर और एक ऑफिस है जो कि आपको बता दो एयर इंडिया ऑफिस अल खलजे मतलब ये दम्माम में है। उसके बाद फिर बात करें ये इंडिको एयरलाइन की तो ये भी रियाद में है, मतलब रियाद में मतलब ज्यादा ये टिकट का ऑप्शन है क्योंकि रियाद में ज्यादातर आपको मालूम होगा मेन सिटी रियाद ही है, तो रियाद में ज्यादा मतलब एयर इंडिया का हो गया इंडिको का हो गया, इन सभी ऑफिस पे जाके आप टिकट ले सकते हो। जो कि आपको बता दें टिकट की प्राइस की अगर जो बात करें तो इसमें बिजनेस क्लास की बात करें तो 1000 है और मतलब इकोनॉमी जो लोकल ऐसा है वो 1000 है और उसकी बात करें तो 1950 बिजनेस क्लास सीट की बात करें तो 1950 रियाल है, जो कि काफी महंगा पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से आप टिकट ले पाओगे क्योंकि आपकी क्या इस समय तो जॉब वॉब को लेकर वैसे ही प्रॉब्लम है, तो आप जिस तरह मतलब लेना चाहते हो कोई भी जो बिजनेस क्लास का लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, भाई आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये थी इंटरनेशनल फ्लाइट अपडेट, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।